हाय फ्रेंड्स, मैं दोबारा से आपके सामने चिप गुरु चैनल से फिर आज आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ। मेरे पास एक हार्ड डिस्क आई है रिपेयर के लिए। मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से मैं लैपटॉप की हार्ड डिस्क, साटा हार्ड डिस्क आज आपको दिखाऊँगा किस तरीके से ये रिपेयर होती है और इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, मैंने एक एक्सटर्नल SMPS ली है जिससे मैं आपको सप्लाई दे के दिखाऊँगा कि ये किस तरीके की बीप आ रही है। अक्सर इसमें टिक टिक या एक साउंड आती है जिससे ये कंफर्म होता है कि इसके लॉजिक कार्ड में प्रॉब्लम है या इसके हेड में प्रॉब्लम है। तो ये दोनों जगह से होती है। तो चलिए दोस्तों, मैंने सबसे पहले मैं SMPS की, आप देख रहे हो, ग्रीन और ब्लैक तार को मैंने शॉर्ट किया हुआ है ताकि ये सप्लाई लगाते ही ऑन हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने ये हार्ड डिस्क का कनेक्शन कर दिया और ये मैंने ऑन किया। इससे मुझे कनेक्ट कर, तो दोस्तों अभी मैं इसे ऑन करने लगा हूँ। तो दोस्तों, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी टिक टिक, जैसे घड़ी की आवाज़ होती है, घड़ी चलने की आवाज़ होती है, वैसे ही इसमें आवाज़ आ रही है। तो ये आपने बीप सुनी। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि ये प्रॉब्लम कहाँ से होती है और इसे हम कैसे दूर करेंगे। तो दोस्तों, मैंने ये सबसे पहले सप्लाई कनेक्शन निकाल दिया, अब मैंने यहाँ से डिसकनेक्ट किया। तो दोस्तों, आप देख रहे हो कि इस जगह हमारे कई सारे स्क्रू लगे हुए हैं। दोस्तों, इसके नीचे भी जहाँ एक स्टिकर लगा हुआ है वेस्टर्न डिजिटल का, आप देख रहे हो, इसके नीचे भी दो स्क्रू लगे हुए हैं। ये मैंने हटा दिए हैं पहले से ही। अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये मेरे चार पांच स्क्रू उतर चुके हैं। ये एक आखिरी स्क्रू है। दोस्तों, इसे बड़े आराम से निकालना है, इसके साथ कोई भी, ये मैंने इसका कवर उतार दिया। जैसा कि आप देख रहे हो, इस जगह हमारा हेड के ऊपर इस प्लेटन के पास हमारा हेड शो हो रहा है। इस जगह आप ध्यान से अगर देखो तो इसके हेड टूट चुके हैं। आप देख रहे हो कि ये प्रॉपर नहीं है। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हो कि ये इस प्लेटन के ऊपर हेड नहीं आ पा रहे हैं, ये प्लेटन से नीचे आ चुके हैं। तो दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी जैसा कि ऊपर आया है, लेकिन आप इस कंडीशन को देखो, इस जगह हेड जो है ये थोड़ी सी ऊपर की कंडीशन में है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हेड पूरी तरह हार्ड डिस्क गिरने से टूट चुके हैं। तो दोस्तों, मैं आपको चला के दिखाता हूँ, उससे शायद आपको ज़्यादा कंफर्म होगा। तो मैंने पहले की तरह सप्लाई कनेक्ट की और ये मैंने सप्लाई लगाई। तो दोस्तों, आप देखो, ये हेड एक जगह ही खड़े हैं और ये इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो ये लगातार प्लेटन घूम रहे हैं, लेकिन लेकिन हेड वापस अपने होम में नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से वो डाटा रीड करने में उसे प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, अगर आप ये हेड चेंज करना चाहते हो, अगर आपके पास ये है कि इस हार्ड डिस्क का मैंने डाटा रिकवर करना है, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा ये किस तरीके से होता है, लेकिन मैं आज नहीं बता पाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन दोस्तों, ये प्रोसेस काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी महंगा होता है। एक कंप्लीट
तो दोस्तों सेम हार्ड डिस्क मुझे लेनी पड़ेगी मार्केट से, जैसा कि आप देख रहे हो कंप्लीट। और इस जगह आप देख रहे हो कि एक स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा कंप्लीट हेड के साथ ये चीज़ हमें दूसरी हार्ड डिस्क से निकाल कर प्रॉपरली इस हार्ड डिस्क में लगानी पड़ेगी। और इस तरीके से, क्योंकि दोस्तों डाटा इसके अंदर हमेशा रहता है, डाटा कभी लॉस नहीं होता, अक्सर हेड की प्रॉब्लम आती है या इसके कॉइल की आती है। तो ये पूरी चीज़ जब मैं रिप्लेस करूँगा तो डाटा एज़ इट इज़ वापस आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको ज़रूर बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि मैं किस तरीके से डाटा रिकवर करूँगा और किस तरीके से मैं पूरा का पूरा हेड प्लेटन इसमें ट्रांसफ़र करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छी लगी मेरी वीडियो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्दी ही मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से मैं हेड रिप्लेस करूँगा और डाटा रिकवर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।